नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना महामारी में बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए बालकुंज में आश्रित बच्चों की उम्मीद की किरण विषय पर ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा को पोस्टर, लेख और स्लोगन के माध्यम से कैनवास पर उकेरा। कार्यकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी आंचल त्यागी ने बताया कि वे प्रतियोगिता का आयोजन कर कोरोना महामारी में बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, इसके लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज निदेशालय महिला और बाल विकास विभाग के अनुसार एक ऑनलाइन प्रतियोगिता करवाई गई। इसमें बच्चों ने अपने मन के भाव कैनवास पर उकेरे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बच्चों को इस समय इस विकट घड़ी में किस तरह से संयम रहकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, इसके लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। बच्चों ने उम्मीद की किरण विषय पर पोस्टर और रंगों के माध्यम से बेहद सटीक संदेश दिया। कोरोना काल में जीवन बेरंग हो गया है, सहयोग और धीरज से जीवन फिर से एक बार सामान्य होगा। इस उम्मीद को बच्चों ने अपने कलाकृतियों में दिखाने का प्रयास किया। इसमें बताया गया कि मास्क पहने, बल्कि सही तरीके से मास्क को पहने। मास्क को अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए भी पहने। सामाजिक दूरी बनाए, जरूरत हो तो घरों से बाहर निकले। धीरज बनाए रखें, जीवन फिर से मुख्य धारा से जुड़ेगा। इसके लिए सभी को अपना सहयोग और योगदान देना होगा। ऐसे बहुत से संदेश अपनी कलाकृतियों में बच्चों ने दिए। इस मौके पर कार्यकारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी आंचल त्यागी, संरक्षण अधिकारी प्रीति वत्स, सामाजिक कार्यकर्ता गुरप्रीत सिंह और बालकुंज के सदस्य ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। यमुनानगर से हमारी संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। महानिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा पंचकुला के आदेशानुसार हरियाणा राज्य के सभी बाल देखरेख केंद्रों में कुछ प्रतियोगिताएं कराई गई हैं। इसमें स्लोगन राइटिंग, एसे राइटिंग, ड्राइंग कम्पिटिशन तथा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कम्पिटिशन कराए गए। इसी तरह से जिला यमुनानगर में भी यही प्रतियोगिताएं कराई गई हैं, जिनमें यमुनानगर के बाल देखरेख केंद्रों के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर।